दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। ग्लोबल वार्मिंग और बेतहाशा आबादी के चलते दुनिया भर के संसाधनों में कमी देखने को मिली है। शायद यही कारण है कि लोग अब एक बने बनाए ठर्रे पर न चलकर कई विकल्पों की तरफ भी नजरें दौड़ा रहे हैं। नतीजन कई नए दिलचस्प परिणाम भी दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बियर को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और ये पेट्रोल का विकल्प साबित हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के केमिस्ट्स ने सालों साल बिताकर एक ऐसी तकनीक ईजाद की है जो दुनिया भर में बिकने वाले इथेनॉल को ब्यूटेनॉल में तब्दील कर सकने की क्षमता रखती है। ध्यान देने वाली बात है कि ब्यूटेनॉल ईंधन के तौर पर इथेनॉल से बेहतर है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होती है और ये ज्यादा करोसिव भी होता है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला की कंडीशंस में शुद्ध सूखे इथेनॉल को ब्यूटेनॉल में तब्दील करने में सफलता पाई। अब ये लोग टेक्नोलॉजी को बेहतर कर इथेनॉल फर्मेंटेशन ब्रॉथ्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनमें 90% पानी के साथ बाकी अशुद्ध चीजें भी होती हैं। अगर बाकी ड्रिंक्स के साथ तुलना कर जाए तो बियर को फ्यूल में बदलना ज्यादा आसान है। यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के प्रोफेसर डंकन वास के मुताबिक एल्कोहलिक ड्रिंक्स में एल्कोहल दरअसल इथेनॉल ही होता है। ये वही मॉलिक्यूल है जिस हम पेट्रोल के विकल्प यानी ब्यूटेनॉल में तब्दील करना चाहते हैं। यही कारण है कि एल्कोहलिक ड्रिंक्स इंडस्ट्रियल इथेनॉल फर्मेंटेशन के तौर पर आदर्श मॉडल हैं। ईंधन के तौर पर इथेनॉल का निर्माण एक ब्रूइंग प्रोसेस से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हमारी तकनीक एल्कोहलिक ड्रिंक्स के तौर पर सही काम करती है तो इंडस्ट्रियल स्केल पर पेट्रोल के विकल्प के तौर पर ब्यूटेनॉल एक प्रभावी उपाय हो सकता है। केमिस्ट्स ने इसके लिए एक कैटेलिस्ट का भी इंतजाम किया। कैटेलिस्ट दरअसल किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने और कंट्रोल करने और इथेनॉल को ब्यूटेनॉल में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोफेसर वास का कहना था कि बियर को भले ही अभी इंडस्ट्रियल स्केल के तौर पर इस्तेमाल न किया जा रहा हो लेकिन ये इस तकनीक को टेस्ट करने का शानदार मॉडल है। ये टीम अब इस तकनीक का एक बड़ा वर्जन बनाने के बारे में विचार कर रही है। माना जा रहा है कि इस काम में 5 साल लग सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक इस बात से भी हैरान है कि आखिर किस वजह से इथेनॉल से ब्यूटेनॉल में तब्दील होने वाले कैटलिस्ट इतनी सटीकता से काम कर रहा है। प्रोफेसर वास के मुताबिक बियर किसी भी रियल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के मिक्सचर के तौर पर एक शानदार मॉडल है और कहीं ना कहीं ये तकनीक वास्तविकता के करीब और भविष्य की तकनीक साबित हो सकती है। टीम की इस रिसर्च को कैटालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम के जर्नल में छापा गया है।